कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा। बोलो जो अपने आप को गरीब समझता हो इसके दरबार में वो एक बार बोलो के दर पे सुदामा। जहां देखो एक होड़ लगी है कि मैं उससे बढ़कर नया भजन गाऊं, मैं उससे बढ़कर नया भजन गाऊं, लेकिन मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, मेरा मन नहीं मानता। नया नौ दिन पुराना सौ दिन, पर क्या करूं, मैं भी उस ढर्रे पर चल रहा हूं जिस पर यह सारा सिस्टम चल रहा है। ये नहीं गाऊंगा, मैं भी इसका नया एडिशन सुनाऊंगा। हरियाणा से हूं और हरियाणवी में ही गाऊंगा, बात वही है लेकिन कहने का ढंग बदल गया। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और कवि की कलम में बड़ी ताकत होती है। ये आप सब रोज शाम भजन जब सुनते हैं आप सबको समझ में आता ही होगा। सुदामा जी पहुंचे हैं कन्हैया के महलों के बाहर और द्वारपालों से कुछ यूं प्रार्थना की। रहट पाछे ने द्वारपाल मन भीतर जाना से, बात वही है कहने का ढंग बदला है। सुदामा जी बोले रहट पाछे ने द्वारपाल मन भीतर जाना से, मन भीतर जाना से, मन भीतर जाना से। द्वारपालों ने पूछा हु आर यू, क्यों जाना भीतर? सारे हाथ ऊंचे, कोई हाथ नीचे ना रहे, सारे हाथ जिसको जैसे दी। रिवर्ब कम कर दो, थोड़ा बेस भी कम। सुदामा जी ने छाती ठोक कर कहा हाथ ऊपर, और क्या कहा? यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से। ताली। ओके। क्या हाल है आजू? ये मेरी कोशिश है माहौल को चेंज करने की। माहौल कुछ ऐसा बन गया था। इतनी बात कही जब सुदामा जी ने तो द्वारपालों ने कहा भाई तने तो अपनी कह दी, जरा हमारी भी सुन ले। फिर द्वारपालों ने कहा, क्या कहा? तू कित जा रहा मूठा कह रहे, तू कित जा रहा मूठा कहने, हमने मरवाना से, हमने मरवाना से, हमने मरवाना से। बोला नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अंदर गया नौकरी तो जाएगी जाएगी, हो सकता है गर्दन पर भी तलवार चल जाए। इसलिए न्यू न जान तू भीतर ने तू घना सयाना से, न्यू न जान तू भीतर ने तू घना सयाना से, हो न्यू न जान तू भीतर ने घना सयाना से। ताली। और श्याम प्यारे की द्वारपालों ने कहा यार पुराना सा, चल परे हट, ना तेरे पैरों में जूती ना तन पर अच्छे वस्त्र। और कहता है महलों का राजकुमार मेरा यार है। फिर द्वारपाल बोले पांव में तेरे जूती ना तेरे कपड़े फटे पुराने, तेरे तेरे कपड़े फटे पुराने। और ताली बजाओ मिलकर सारे। कई दिना का भूखा धोरे नहीं खान ने दाने, धोरे नहीं खान ने दाने। और द्वारपालों ने कहा तू माड़े घरा का लागे, तू माड़े घरा का लागे, माड़ा मतलब छोटा, तू माड़े घरा का लागे, तू माड़े घरा का लागे, उनके पूछे भूत घराने, उनके पूछे भूत घराने, ये दोनों का मेल बता थर कित कैसे याराने, थारे कैसे याराने। बोला वो महलों
राजाओं का राजकुमार, तू गरीब आदमी, भला तेरी यारी कैसे हो गई? फिर पूछा, आया भला तू कित्ते, आया भला तू कित्ते, के तेरा पता ठिकाना से, के तेरा पता ठिकाना से, के तेरा पता ठिकाना से। भला कोई आइडेंटिटी कार्ड है आपकी जेब में? कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कोई सा कार्ड तो दिखाओ। नहीं है? तो कहा, रन्यू न जान तू भीतर ने तू खड़ा सयाना से, रन्यू न जान तू भीतर ने तू, चल हट, न जान तू भीतर ने तू खड़ा सयाना से। शुक्रिया जी, बड़े चौड़े होकर कह रहे थे यार पुराना है। जब द्वारपालों का रंग ढंग देखा तो थोड़े से नर्म हो गए, बात नहीं बन रही थी, ताली फिर भूल गए। बोले भाई, ओ भाई सुनो मेरा परिचय, ताली बजाइए। कलकत्ता में और हरियाणा में कम से कम 2000 किलोमीटर की दूरी है, थोड़ी देर हरियाणवी बन जाओ यार, पूरी रात कलकत्ता वाले रहते हो, बजाओ ताली। सुदामा जी बोले, मैं जात का पामन पूजा पाठी काम से मेरा, पूजा पाठी काम से मेरा, पूजा पाठी काम से मेरा, और उरे ते थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव से मेरा, छोटा सा गांव से मेरा, छोटा सा गांव से मेरा। मैं कई दिन आते चलिया, मैं कई दिन आते होया ना विश्राम से मेरा, ना विश्राम से मेरा, एक बार बोल तो भीतर जा सुदामा नाम से मेरा, सुदामा नाम से मेरा, सुदामा नाम से मेरा। बोला, जात का ब्राह्मण हूँ, नाम सुदामा है, यहाँ से थोड़ी सी दूर मेरा गांव है, चार पांच रात दिन पैदल चलने के बाद यहाँ मैं पहुंचा हूँ, न पेट में अन्न का दाना जा पाया है, ना मैं सो पाया हूँ, बस आप सबसे इतनी प्रार्थना, अंदर जाकर कह दो दर पर सुदामा गरीब, दर पर सुदामा गरीब, दर पे सुदामा गरीब। फिर बड़े प्रेम से कहा, क्या कहा? दो चार दिन रह लूं मने के डेरा लगाना से, अड़े के डेरा लगाना से, मने के डेरा लगाना से। बोले भाई, एक आध दिन रुकूंगा, चाय पानी पीऊंगा अपने घर, क्योंकि मेहमान इतने अच्छे लगते हैं ना, और देखो भाभी जी भी कह रही है हम भी, इनको भी मालूम है कहीं गलती से एक हफ्ता मेहमान घर में रुक जाए तो घर वालों की आंखों में खटकते हैं, और दूसरे कमरे में दौरानी जेठानी खुसर फुसर में लग जाती है, हम इसने परांठे पोपो के खुआपड़े करने तो ना, मैं भी चला जाऊंगा एक भजन के बाद, एवरीथिंग इज ओके बट हाथ धोके। बोलिए खाटू नरेश की। सुदामा जी ने कहा, दो चार दिन रह लूं मने के डेरा लगाना से, अड़े के डेरा लगाना से, मने के डेरा लगाना से। अब ईमानदारी से बताओ, कौन कौन चाहता है बचपन के बिछड़े यार मिल जाएं? जो चाहते हैं मेरे लिए नहीं, सुदामा जी लेके दोनों हाथ ऊंचे और ताली बजाकर कहें, क्या? यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, ओ यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से। ताली जियो। बात नहीं बनी, सुदामा
सुदामा जी ने अंतिम कोशिश करी। कैसी कोशिश? जैसे आप सब बैठे हैं अपने इष्ट के चरणों में, अपने अन्नदाता के चरणों में, सुदामा जी भी बैठ गए दरवाजे पर, हाथ जोड़ लिए और फिर जोड़े हाथ सुदामा ने की मिन्नत बिनती भारी, की मिन्नत बिनती भारी, की मिन्नत बिनती भारी। द्वारपालों को तरस आ गया, कहने लगे एक बार अंदर जाकर कह देते, हो सकता है यार हो, बड़ी देर हो गई, कभी हाथ जोड़ रहा है, कभी माथा पीट रहा है, कभी रो रहा है, हो सकता है सच में यार हो। अब द्वारपाल महलों में जा रहे हैं संदेशा लेकर, ताली बजाइए। और उसके बाद क्या नजारा है जरा सुनिए। द्वारपाल के महलों में जब बात बतावन सारी, जब बात बतावन सारी, जब बात बतावन सारी, आहा, जैसे ही महलों में पहुंचे तो क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मण जी कन्हैया के लिए भोजन परोस रही है और कन्हैया बस भोजन के पटरे पर बैठने वाले थे। ताली बजाइए ना। मुझे मालूम है मैं अच्छा नहीं गाता, क्यों उनके कान में घुसर घुसर कर रहे हो ताली। रुक्मण संग कन्हैया करे थे भोजन की तैयारी, रुक्मण संग कन्हैया करे थे भोजन की तैयारी। इतनी देर में द्वारपाल पहुंच गए, बोले महाराज द्वार पर एक भिखारी आया है फटेहाल, न सर पर पगड़ी न तन पर जामा, अपने आप को आपका मित्र बताता है, कहता है मेरा नाम है सुदामा। और यकीन मानिए आप सबने खूब देखा होगा टीवी में झांकियों में, जैसे ही कान में सुदामा शब्द पड़ा, सामने भोजन चप्पल सिंहासन सब कुछ तो छोड़ दिया, नंगे पैर दौड़ पड़े। सुदामा सुन के नाम सुदामा दौड़े नंगे पैर मुरारी, दौड़े नंगे पैर मुरारी, दौड़े नंगे पैर मुरारी, दौड़े नंगे पैर मुरारी। और जब कन्हैया नंगे पैर दौड़े तो उनकी धर्मपत्नी सोच में पड़ गई, सुनिए क्या सोच में पड़ी। रुक्मण सोचे किसकी खातिर छोड़िया खाना से, सामने छोड़िया खाना से, सामने छोड़िया खाना से। बड़ी हैरान परेशान हुई, मन ही मन अपने आप से बात कर रही है, भला कौन आ गया जिसके लिए त्रिलोक का स्वामी सब कुछ छोड़कर भाग गया। फिर अपने आप से प्रश्न करके बोली, क्या हाथ ऊपर कीजिए और ताली बजाकर बोली, जरा मैं भी देखूं कौन शाम का यार पुराना सै, जरा मैं भी देखूं कौन शाम का यार पुराना सै, जरा मैं भी देखूं कौन शाम का यार पुराना सै, जरा मैं भी देखूं कौन शाम का यार पुराना सै। ओके, 3 मिनट में भजन खत्म। बचपन के दो मित्र आमने सामने खड़े हैं, क्या नजारा है। एक बार दृश्य को अपने जहन में उबारिए, जब सुदामा को कन्हैया ने वर्षों के बाद अपने सामने खड़ा हुआ पाया तो क्या हुआ, लिपट गए एक दूजे से, मिल गए पुराने यारी, मिल गए पुराने हम, मिल गए पुराने। श्याम ने देखा मैं सोने चांदी में लदा हुआ, श्याम श्याम ने देखा मैं सोने चांदी में लदा हुआ, हीरे मोती मेरे वस्त्रों में जड़े हैं, मेरे बचपन का इकलौता यार जिसके तन पर एक लंगोटी वो भी जगह जगह से फटी हुई। और जब अपने यार की वो हालत देखी तो देख यार की दशा, शाम के नैना भर गया पानी, हाँ नैना भर गया, शाम के नैना भर गया पानी। पर कलयुग में उल्टा है, लोग अपने दुख से कम, बड़ी पेमेंट वालों की पेमेंट से ज्यादा दुखी है। सच्चाई है भाई, मैं हरियाणा से हूँ, जलेबी की तरह सीधा हूँ, सीधी सीधी बातें कहनी आती है, सीधी बात नो बकवास, ये सच्चाई है।
खुद के घर में चार फॉर्च्यूनर खड़ी हो, पर पड़ोसी बेचारा कहीं से एक मारुति थर्ड हैंड, सेकंड हैंड भी नहीं, 25-30 हजार आंखों में, अच्छा मारुति ले आया, बड़े नोट कमा रहा है भाई। लेकिन कलयुग है, क्या करें। उस जमाने में द्वापर में ऐसा होता था, देख यार की दशा, शाम के नैना भर गया पानी, हाँ नैना भर गया, शाम के नैना भर गया। और जैसे ही उस गिफ्ट में मिली हुई चावल की पोटली में से दो मुट्ठी चावल लिए, तीन में से दो लोग का राज अपने यार के नाम कर दिया। और जब दो मुट्ठी चावल लिए तो गरीब सुदामा के दिन फिर गए जाने जगत कहानी, गरीब सुदामा के दिन फिर गए जाने जगत कहानी, सीख ले लखा सीख ले तू भी शाम से प्रीत निभानी, रे शाम से प्रीत निभानी, रे शाम से प्रीत निभानी। वो तो सही टाइम पर रुक्मण जी पहुंच गई, तीसरी मुट्ठी भरने वाले थे, बोली बस प्रभु बस, ये क्या कर रहे हो आप। अगर कन्हैया उस वक्त तीसरी मुट्ठी भर लेते, रुक्मण जी उनका हाथ नहीं पकड़ती सही समय पर। क्षमा करें प्रभु, उस दिन कन्हैया का विदाई समारोह हो गया होता। उस वक्त जानते हो क्या हुआ, हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, कुछ तो करो जी विचार, सुनो जी भरदार, पता नहीं दादार कृष्ण मुरार। हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, कुछ तो करो जी विचार, सुनो जी भरदार, पता नहीं दादार कृष्ण मुरार। बोली बस प्रभु, जानती हूँ आपके बचपन का यार आया है, पर उतना दो जितनी उसकी औकात है, जितनी उसकी आवश्यकता है। क्यों, इंसान अपनी औकात से ज्यादा पाकर आपको भूल जाता है। पिछले दिनों, फिर कड़वी बात बोल दूं, पिछले दिनों आपने देखा होगा बड़े संत ज्ञानी महात्मा पकड़े गए। कोई कहे मैं राम का अवतार, कोई कहे मैं श्याम का अवतार, कोई कहे मैं महादेव का अवतार, पता चले सारे कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच गए। मैं तो कीर्तनों में जाता हूं, छाती ठोक कर कहता हूँ, बेटा कह दो, बच्चा कह दो, भाई कह दो, दोस्त कह दो, दुश्मन कह दो, पर बाबा कभी ना कहिए भाई। बहुत डर लगता है इस शब्द से, बाबा केवल एक वही अच्छा लगता है। आया है सुदामा यार तुम्हारा, आया है सुदामा यार तुम्हारा, पर दीजिए वही जो दरकार, सुनो जी भरतार, ओ दानी दातार कृष्ण मुरार। और जब दिया तो गरीब सुदामा के दिन फिर गए जाने जगत कहानी, सीख ले लखा सीख ले तू भी शाम से प्रीत निभानी, रे शाम से प्रीत निभानी, रे शाम से प्रीत निभानी। आप सारे गुणी और ज्ञानी लोग बैठे हैं, मैं एक मूर्ख, इन दो पंक्तियों को सुने मेरे पीछे गाएं, बड़ा मुश्किल है ये काम। और जो टूटा फूटा मुझे आता है, मैं आप सबको बताऊं क्या है मुश्किल। होवे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से, होवे मुश्किल बहुत जगत में, अर्थात इस कलयुग में किसी का मित्र बन जाना, वो भी सच्चे वाला, या किसी को अपना मित्र बना लेना, ये बड़ा मुश्किल है। आप सब जानते हैं कलयुग में बाप बड़ा ना भैया। हे भगवान, सारे समझदार बैठे हैं भाई, मैं तो पहले ही कह रहा था सारे समझदार, सबने भी रहा है, सारे बोले रुपया, पर क्या करें इसके बगैर नहीं चलता। क्यों रवि भाई, रखो वे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से, रखो वे मुश्किल बहुत जगत में, तो कौन कौन शाम से यारी करेगा, जरा हाथ ऊंचे और गाइए। रखो वे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से, रखो वे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से, रखो वे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से, रे यार कहाना से, रे यार कहाना से, रे यार कहाना से, रे यार कहाना से। बोल भक्त और भगवान की। कुछ गलती होगी तो क्षमा कर देना, कभी बाहर जाके गुद्दी पकड़ लो, मैं बहुत